देखिए भाई, हम लोग हैं आज इस फार्म में और यहाँ नीलकंठ आलू है। ये देखिए आलू नीला ही होता है इसमें, कहो क्या वहाँ बिल्कुल नीला शुगर फ्री है। और शुगर फ्री है। और हमें इस टाइम राशिद भाई के पास, जिन लोगों की आप वीडियो देखते हैं, और ये हमारे दिलीप भाई और ये हैं सुखाबाद के हमारे प्रिंसिपल साहब, और आज हम इसके खिन के खेत पर आए। तो राशिद भाई, आपके यहाँ क्या पोजीशन है, क्या ब्लाइट फ्लाइट की क्या पोजीशन है? देखिए, हमारे यहाँ अगर ब्लाइट का माना जाए तो हमारे यहाँ ब्लाइट आप 70% मान सकते हो अच्छी तरीके से। 70% ये हम आपको लिख के दे सकते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो लोगों के साथ छुपाना भी चाहिए। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, हम वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसा भी बता दें, भैया ब्लाइट भी है और बम्पर पैदावार भी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना, तो आगे चल के हमें ये लगता है कि सब लोग आलू को रख लेंगे, तो आगे चल के जो भविष्य सही होने वाला होगा ना, तो वो सही नहीं हो सकता है। अगर रियलिटी मानी जाए तो 70% आप ब्लाइट मान सकते हो। बाकी आप देख पा रहे हो, जिन जिन किसान भाइयों ने आलू को अपने मतलब स्प्रे वगैरह कर लिए थे, आलू की हिफाजत कर रखी थी, तो उनको बचा पाया, तो इस स्टेज तक कर पाया, मतलब उसमें भी झुलसा लग गया है। बाप बाकी कुछ खेत तो ऐसे भी है जिसमें कि आपको जो है बेल नहीं दिखाई देगी, जैसा कि आप आए होंगे। हाँ, तो बेल नहीं है, बहुत खेतों में बेल नहीं है। हाँ, कुछ कुछ खेत है उनमें अच्छी पोजिशन है। अब बगल वाला ही खेत है, यहाँ से थोड़ा आप लोग, और उसमें देखो बिल्कुल दिखा दो, उसमें भी देख रहा हो आप लोग, देखो यहाँ तो बिल्कुल बेल ही नहीं दिख रहा। देखो फिर बेल ही खत्म हो गई उसमें। चलो ठीक है भाई, और देखते हैं अगला खेत। पूछ लो यहाँ आए हैं कैसा कैसा क्या माहौल था। क्या भैया, क्या तो बताए कि क्या इसमें क्या देखा? तो रास्ते में ब्लाइट तो बहुत दिख गया, सब खेतों की बेल गायब है। मतलब जब आप चले थे सुखवाबाद से यहाँ तक आए थे, रास्ते में आपने खेतों को देखा, कैसा महसूस हो रहा था आपके उधर से या इधर, मतलब कैसा लगा? हमारे इधर से बोगाम से निकल के, हाँ, हमें तो सब खेत खराब दिखे। 70% तक इधर सब खेत खराब थे, जिन बेल भी नहीं थी, बेल बिल्कुल सूख गई, खेत खाली। और आपके तरफ का क्या स्थिति है? हमारे तरफ तो ओले ज्यादा पड़े हैं, क्या कहते हैं, ओले से बारिश, ओले और बारिश से खतरा हुई है। ओले पड़े थे, क्या तारीख को पड़े थे जी? 8 तारीख। 8 तारीख को ओले पड़े थे। और जब 8 तारीख को ओले पड़े थे, समथिंग आपके क्षेत्र में जो आलू थे वो तब कितने दिन के हो गए होंगे? हमारे यहाँ सब आलू दीपावली के बाद के गड़े थे, 60 से 65 दिन के आलू थे। 60 से 65 दिन के हुए थे। और हमें ऐसा भी लगता है कि शायद आपके यहाँ पक्की फसल मतलब ज्यादा की जाती है, कच्चे का कोई खोद नहीं होता है, ऐसा लगता है भाई मुझे। नहीं, टोटल पक्का होता है। पक्का होता है टोटल। तो इस साल कैसा लग रहा आपको, कैसा क्या माहौल वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है सारी जगह का? नहीं, हमारी जगह, हमारे यहाँ तो जो पैदावार बहुत कम रहेगी, 10-15, ज्यादा अच्छा आलू होगा तो 25-30 कट्टे का भी।